हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मिल लीजिए मेरे कबूतरों से आप लोग। तो आज दोपहर के लंच में मैं बनाऊंगी परवल का भरुआ, क्योंकि परवल ना मेरे बच्चों को ज़्यादा पसंद नहीं है। तो मैं सोची कुछ हट के बनाती हूँ आज, तो मैं सोची चलो आज भरुआ बनाऊंगी। और अभी बज चुका है दोपहर का 1:30, और आज से मेरे बच्चों का एग्ज़ाम शुरू हो गया है। तो अभी एक सप्ताह तक स्कूल जल्दी छुट्टी हो जाएगा, तो मैं यहाँ निकाल रही हूँ खाना दोनों के लिए। तो खाना में यही है मेरा आज का थाली, चावल दाल और परवल का भरवा। तो ये थाली आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चुका है रात का 10, और कल मैं अपने बाल में लगाऊंगी मेहंदी, जिसके लिए मैं यहाँ चाय पत्ती और मेथी के दाने को बॉयल कर रही हूँ। तो यहाँ यूज़ कर रही हूँ नूपुर मेहंदी, बहुत ही अच्छा मेहंदी है। और इसको मैं लोहे की कढ़ाई में ना रात भर के लिए छोड़ दूँगी डाल के, और बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आया। एक महीना तो मेरे बाल ना बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं और बहुत पतले हो गए हैं। तो एक महीना पहले ना मैं ये मेहंदी लगाई थी, तो मुझे थोड़ा सा अंतर बुझाया था, बाल बहुत अच्छे हो गए थे। तो इसीलिए मैं फिर इसको लगाऊंगी। तो आज रात पर इसको फूलने के लिए छोड़ दूँगी, और कल सुबह मैं इसको अपने बालों में लगाऊँगी। दूँगी कॉफ़ी, और इसमें ना नींबू का रस डालूंगी, लेकिन वो सुबह डालूंगी, और दही डालूंगी और एलोवेरा जेल भी डालूंगी। तो वो सब मैं सुबह ऐड करूंगी। अभी सिर्फ कॉफ़ी और चाय पत्ती और मेथी का पानी डाल के इसको मिला के रख दूंगी रात भर के लिए। तो इसमें थोड़ा थोड़ा करके चाय पत्ती और मेथी का पानी मिलाएंगे, सब एक ही बार नहीं डालूंगी मैं, नहीं तो कहीं ज़्यादा गीला हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा डाल के इसे मैं, तो मुझे लगता है सारा पानी लग जाएगा, तो इसमें सारा डाल दूंगी पानी। तो इनको ना मैं अच्छी तरह से मिला लूँगी, और फिर इसको मैं ढक के रख दूँगी रात भर के लिए। तो रात भर में ये बहुत अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा सिर में लगाने के लिए। तो सभी फ्रेंड्स को फिर से गुड मॉर्निंग। तो सुबह हो चुकी है, और यहाँ मैं एलोवेरा के अंदर वाला पार्ट को निकाल रही हूँ मेहंदी में मिलाने के लिए। तो अंदर वाले पार्ट को निकाल के ना मैं मिक्सी में उसको पीस लूँगी, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। पीस लेने से ना बहुत अच्छी तरह से वो मेहंदी में मिक्स हो जाएगा। तो इस तरह से अंदर वाले पार्ट को निकाल लेना है, और ऐसे ही मैं सारा निकाल लूँगी और फिर उसको मैं मिक्सी में पीस लूँगी। और यहाँ देखिए हमारा मेहंदी बिल्कुल तैयार है लगाने के लिए। तो इसमें मैं अब ऐड करूँगी, इसमें डालूँगी मैं अब ये एलोवेरा को मैं पीस ली हूँ। देखिए कितना अच्छा हो चुका है, बहुत अच्छी तरह से मेहंदी में मिल जाएगा। इसके बाद मैं डालूँगी इसमें दही, तो दही भी ना मैं 2-3 चम्मच के लगभग डालूँगी इसमें। और फिर इसमें मैं डालूंगी नींबू का रस, और ये तीनों चीज़ डाल के ना मेहंदी को बहुत ही अच्छी तरह से मिला लेना है, ताकि सभी चीज़ एक दूसरे में घुल मिल जाए बिल्कुल अच्छी तरह से। तो इनको बिल्कुल अच्छी तरह से कम 2-3 मिनट तक मिला लेना है। 1 मिनट भी मिला लेंगे ना तो हो जाएगा। और मिला के ना 5 मिनट के लिए मैं छोड़ दूँगी इसको, लगाकर 2 घंटा तक छोड़ देना है बाल में। और आज मैं शैम्पू नहीं करूँगी, सिर्फ पानी से इसे धो लूँगी, और रात को ना सरसों का तेल लगा लूँगी बाल में, और संडे को मैं शैम्पू करूँगी। तो जिस दिन मेहंदी लगाया जाता है ना, उस दिन शैम्पू नहीं किया जाता है, उस दिन रात में सरसों का तेल लगा लिया जाता है। तो दूसरे दिन मैं शैम्पू करूँगी, तो संडे को मैं दिखाऊँगी इसका रिजल्ट। तो 10-15 मिनट तक ना मैं मेहंदी को मिला के छोड़ दी थी। देखिए कितना अच्छा से मिल चुका है सभी, और कितना स्मूथ हो गया है मेहंदी। तो अब मैं इसको अपने बाल में लगाऊंगी। तो बाल में मेहंदी लगाने का मैं पूरा वीडियो नहीं बना पाई, किसी दिन मैं आपको पूरा दिखाऊंगी कि मेहंदी बाल में कैसे लगाया जाता है, तो उसका वीडियो मैं बनाऊंगी। और यहाँ देखिए हमारा मेहंदी लग चुका है, और उसे लगाने में कम से कम आधा घंटा मुझे लग गया पूरे बालों में लगाने में।
तो यहीं पे मैं अपना वीडियो ख़त्म करती हूँ। और प्लीज़ जो मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और प्लीज़ मेरे वीडियो को सभी लाइक कर दीजिएगा। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।